Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फाइनली यहाँ विंटर्स आ गए हैं, तो सोचा कि हमारी विंटर रूटीन भी आपके साथ शेयर की जाए। डेलाइट सेविंग यहाँ नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी के साथ यहाँ का टाइम भी थोड़ा चेंज हो जाता है। लाइक अब शाम के 5 बजे ही अंधेरा होने लगता है और सुबह 6 से 7 बजे तक भी उजाला नहीं दिखाई देता। आंखें तो मेरी सुबह अब भी जल्दी खुल जाती है, लेकिन ठंड की वजह से बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। खैर, पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत बिजी रहे हैं। घर में छोटी बहन की वेडिंग की तैयारियां हो रही थी, तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले इंडिया कॉल पे लग जाया करती थी कि वहाँ पे क्या तैयारियां हो रही है और सारा काम कैसे चल रहा है। वैसे वहाँ सारा काम बहुत अच्छे से हो गया और मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पर भी आपके साथ वेडिंग के कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं। अगर आपको पिक्चर्स देखने हैं, आप YouTube कम्युनिटी पर या मेरे Instagram अकाउंट पर वेडिंग के पिक्स देख सकते हो। इंस्टा पर मैं कुछ और पिक्स भी अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना। ये दिवाली वाले फ्लावर्स है, इनमें रोजेस तो ऑलमोस्ट सूख गए हैं, बट जो ये व्हाइट वाले फ्लावर्स है मुझे इनके नाम नहीं पता, बट ये स्टिल फ्रेश हैं। इन फ्लावर्स के साथ फ्लावर्स फूड भी मिलता है जो मैंने दिवाली में यूज कर लिया। अब मेरे पास फ्लावर्स फूड नहीं है, लेकिन मेरे फ्लावर्स थोड़े दिन और अच्छे रहे, इसलिए मैंने फ्लावर्स का पानी चेंज कर उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डाल दिया। शुगर के पैकेट्स मेरे पास ऑलरेडी रखे थे। एंड देन फ्लावर्स को नीचे स्टॉक से कलम कर फिर से पॉट में रख दो, तो फ्लावर्स फिर से फ्रेश दिखाई देने लगते हैं। Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. आजकल सुबह उठकर 1-2 घंटे में पहले अपना यूट्यूब से रिलेटेड काम कर रही हूँ। लाइक 1-2 घंटों में जितनी भी एडिटिंग या वॉइस ओवर हो जाए उतना कर बस फिर मैं रेडी होकर अपने सुबह के कामों में लग जाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, do it. वैसे मैं अपने पूरे दिन की रूटीन टाइम से मैनेज कर लेती हूँ, बट यूट्यूब को थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लाइक एक टाइम से मेरे व्लॉग अपलोड नहीं हो पाते हैं, सो आई थॉट कि सबसे पहले यूट्यूब के लिए मैं एक रूटीन बना लूँ ताकि व्लॉग्स अपलोड करने का एक टाइम सेट हो जाए एंड देन मोर फ्रिक्वेंटली मैं आपके लिए व्लॉग्स बना पाऊँ। सो आजकल विंटर्स में अपना सारा काम अराउंड मॉर्निंग में 7 बजे से करना शुरू कर रही हूँ। अयांश के 9 बजे स्कूल स्टार्ट होती है, तो उससे पहले ही मुझे दोनों बच्चों को रेडी करना होता है और काम जल्दी हो जाए इसलिए लंच और ब्रेकफास्ट भी मैं बहुत ही सिंपल बट हेल्दी बना रही हूँ। ब्रोकली अयांश की फेवरेट सब्जी है, तो आजकल इसी तरह बटर में ब्रोकली को थोड़ी देर सॉटे कर उसमें नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर ऊपर से एक्स्ट्रा चीज डालकर उसे ब्रोकली सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह हल्का सॉटे करने से अयांश सब्जी बहुत अच्छे से खा रहा है। साथ ही ब्रेकफास्ट में मैंने आज बच्चों को चीज सैंडविच और बनाना ऑफर किया है। चीज के बारे में आप लोगों ने कई बार पूछा है, तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मेरे कुछ छोटे छोटे व्यूवर्स भी है जो अपने मम्मा के साथ बैठकर हमारा व्लॉग्स देखते हैं, सो उनके लिए एक मैसेज है कि अब अयांश और स्मैन दोनों ने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने शुरू कर दिए हैं ताकि दोनों भी स्ट्रांग हो जाए। सो अगर आपको भी स्ट्रांग बनना है तो मम्मी आपको जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने के लिए दे आपको उसे पूरा फिनिश करना है और खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोना है, तो आप बहुत ही स्ट्रांग बन जाओगे। But you That's make hard. The goodest ones, yeah. So that means they're the healthiest ones. The most salty thing I love is the broccoli. You can have it, Rita. I can eat the whole thing and then take another broccoli and eat the whole thing. Maybe, if I do.
सुमयन वहाँ बैठ के खाओ। हाँ ब्लिप्पी, बाद में देखेंगे ब्लिप्पी, पहले वहाँ बैठ के खाओ आराम से भैया के साथ। भैया कैसे खा रहे? डियर सी भैया जंपिंग। चलो फिर वहाँ खाओ। आई कैन सी यू। ओके आ जाओ, चलो वहाँ पे आराम से बैठ के खाओ। आ जाओ। स्मैन ने बनाना एंड सैंडविच ही खाया है एंड आयांस ने अपना ऑलमोस्ट सारा ब्रेकफास्ट फिनिश किया। एक्चुअली आयांस अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो जब तक वो ब्रेकफास्ट फिनिश करेगा मैं उसका रूम क्विक क्लीन कर लूंगी। पहले हम उसे वर्चुअल स्टडी के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर बिठा रहे थे क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर स्टडी टेबल नहीं था। तो लास्ट दिवाली व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने आईकेआ से कुछ फर्नीचर्स लिए हैं, सो तभी हमने आयांस के लिए स्टडी टेबल भी ले लिया और हमने स्टडी टेबल और चेयर को आयांस के रूम में ही सेट किया है। Yes, this is a pattern. This color? Yes. So now you are making patterns, ABC pattern. Yes, then? Purple, red. These balls are not good. Yeah, that's fine. सो अभी आयांस के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और अराउंड 10:30 तक आयांस को एक 15 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। तब तक मुझे आयांस के आसपास ही रहना पड़ता है क्योंकि अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसे मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मीनवाइल मैं तब तक अदर बेडरूम्स भी क्लीन कर लेती हूँ और साथ में मेरा लॉन्ड्री रूम ऊपर ही है, तो लॉन्ड्री में कपड़े लगाना है या फोल्ड करना हो वो सारे काम इसी वक्त हो जाते हैं। आयांस को 15 मिनट का ब्रेक मिला है तो फिलहाल दोनों बच्चों को मैंने कुछ ऑरेंजेस एंड एप्पल खाने के लिए दिए हैं। बच्चों के डाइट और ग्रोथ से रिलेटेड कुछ कमेंट्स आए हैं, उन टॉपिक्स पर भी मैं जल्दी ही डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। आजकल आयांस के स्कूल खत्म होने के बाद मैं लंच बनाना शुरू कर रही हूँ। 12 बजे लंच बनाना शुरू करती हूँ तो अराउंड 1 बजे तक बन जाता है। थर्सडे और फ्राइडे के दिन आयांस के स्कूल 2 बजे होते हैं तो उस दिन मैं थोड़ा जल्दी लंच बना लेती हूँ। वैसे भी सर्दियों में दिन बहुत ही जल्दी ढल जाता है तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत गया। कोशिश करती हूँ कि लंच और डिनर साथ में ही बना लूँ। अगर लंच में मैंने दाल चावल सब्जी रोटी सभी कुछ बना लिया तो मोस्टली मुझे डिनर में खाना नहीं बनाना पड़ता है, बट जैसा कि आज मैंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाया है तो डिनर में आज मुझे कुछ बनाना होगा। I want to be the more yellow broccoli. We can but I'll make a big broccoli. Got another one and yellow broccoli. Broccoli. Give me green broccoli. अभी येलो खा लो, कल वापस से ग्रीन बना दूंगी। सब्जी भी खाते बेटा, ओके? गुड जॉब। फ्लोर मॉपिंग के लिए आजकल मैं शिफर का ये मॉप यूज़ कर रही हूँ। ये यूज एंड थ्रो मॉपिंग क्लोथ से जो मैंने कॉस्को से बाय किया है, तो बस एक क्लोथ निकाल कर मैं मॉपिंग स्टिक पर इस तरह स्टिक कर रही हूँ एंड देन लिविंग रूम एंड किचन में ब्रूम करने के बाद इस मॉप के हेल्प से पूरा एरिया अच्छी तरह क्लीन हो रहा है। हेयर एंड डर्ट दोनों भी क्लीन हो जाते हैं। ये जो मॉपिंग स्टिक है ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो किसी भी कोने में आसानी से चला जाता है। एंड देन फ्लोर क्लीन करने के बाद ये शीट निकाल कर आपको ट्रेस कर देना है। Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa.
सो यू कैन सी कि इसमें काफ़ी गंदगी निकल जाती है। बस यूज़ करने के बाद क्लॉथ को इस तरह निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है। तो अराउंड 2 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है एंड देन इवनिंग तक मैं फ्री होती हूँ। अगर मुझे डिनर बनाना है तो मैं 5 बजे से बनाना शुरू करती हूँ, अदरवाइज मोस्टली टाइम बच्चों के साथ ही स्पेंड हो जाता है। मैंने आपको किसी वीडियो में अपना बेसमेंट भी दिखाया है जहाँ मैंने टॉय रूम बनाया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे वहाँ जाकर आपस में खेलते हैं। तो जब मैं अकेले होती हूँ तो कभी नेटफ्लिक्स या प्राइम में कोई सीरीज या मूवी लगाकर देखती हूँ। रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पर लूडो देखी है, वेब सीरीज में जमतारा, पंचायत, फैमिली मैन, ब्रीथ और डार्क देखा है। कोई अच्छा वेब सीरीज़ होगा तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे इंडियन ड्रामाज या सीरियल ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मूवीज़ अच्छी लगती है। वैसे अपने ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो वो व्लॉग भी आप ज़रूर देखना। और आगे मेरे चैनल पर आप किस तरह के व्लॉग देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ही जल्दी एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।